खाली अब रोते रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रितु देवी। कहाँ से आई? पटना से आए हैं। पटना से मनु भैया के पास कहाँ आई? मेरे भैया जी बहुत परेशान रहते थे। क्यों? इसे मन की पितृदोष इसमें से मेरे अपना भैया तो अच्छा। यहाँ दिखाए थे समझे न मनु भैया तो मैंने हम लोग की तबीयत खराब होता था पूरा पटना 6-7 डॉक्टर ही पूरा दिखाए इनको भी इनको पारस में 4 लाख से ज्यादा दिखा दिए। पटना अच्छा, पटना एम्स में गए हैं। एम्स से दिखाए कमाने वाली है मुझे ये समझ में नहीं आता इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों के रहते हुए ठीक है ना ये अंबानी बड़ा कैसे ये उजागर नहीं है ना दुनिया के सामने पूरा इलाज पूरा दिखा लें भैया है ना पूरा शरीर के इनको चेकअप करवा लिए पूरा शरीर आपके पति को जी। यहाँ क्या बताया मुझे ये बताइए यहाँ तो निकलने दो ना दोष को आप कैसे समझते हो एक आदमी जल्दी ठीक हो सकता है एक मनु भैया साक्षात हमको शनिदेव दर्शन दिए शनिदेव सीढ़ी पर बैठे हुए हैं उनका मैंने की जो आती है वाहन लाल लाल दिमाग करके एक तो गीत होता है नहीं ये थे अदम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं मेरा अपना मकान है मनु भैया पटना में बहुत अच्छा ताली बजा और जानते हैं मनु भैया दर्शन दिखाए और कहें कि तुम्हारा घर में आग लग जाएगा और तुरंत दम मोटर में आग लग गया मनु भैया अचानक इस बात पे किसको तरंगे आई इस बात पे बहुत अच्छे सत्य बोल रही है तालियां बजा दो एकदम से नींद दम फटाक सुना खुल गया देखे तो जाकर तो रीढ़ की हड्डी में तरंगे आने लगी हाँ नींद फटाफट खुल गया हाँ देखे तो आग लगल है क्या बात भगवान खुद बताने हैं हाँ। फिर यहाँ कौन लेके तो फिर यहाँ ना मेरे भैया के पास आप कॉल किए बात किए आपसे मैंने यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब हाँ तो वो अच्छा। बोले कि उन लोग के भेजो ना तो एगो को दूगो में मृत्यु हो जाए हाँ फिर तू आई हाँ तो हम तेरे को क्या होता दम डायरेक्ट टिकट कराए और यहाँ हाँ तेरे को क्या होता था मेरे को माइग्रेन था कितने साल से 4-10 साल से दवा खा रहे थे हम भी 10 गो डॉक्टर से कम न चेंज कितना पैसा लगा दिया तूने माइग्रेन के ऊपर बहुत पैसा भैया बहुत 15 बरस अभी शादी के ही हुआ था और उतना ऊपर से 10 साल दवाई हाँ, दवा भी फिर क्या हुआ अब तो मैं बिल्कुल दर्द रहता था हाँ कितने दिन हो गए उल्टी होता था रोज उल्टी रोज 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 कितने दिन हो गए यहाँ लगता है कि 2 साल हो गया 2 साल से आ रही है 5 बार वहाँ आए हैं पहला बार यहाँ आए हैं मतलब 6 बार आई कुल हाँ और एक बात बताना तो तेरा उल्टी और वो माइग्रेन कहाँ गया बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही माइग्रेन ठीक नहीं होता अपनी दवा छोड़ दी अब डॉक्टर ही बोलता है कि कैसे उसको ठीक हो गया आपने बताया नहीं मनु भैया ने ठीक कर दिया हम अभी तक नहीं बखान किए हैं मनु भैया बता दे बोला मेरे को माइग्रेन नहीं था तूने घोषित कर दिया था मेरे सर प्रार्थना करते हैं मनु भैया कि इनको भी ठीक कर पजामा लाल करेगी तू ऐसे नहीं करेगा मनु भैया आपको आशीर्वाद है मनु भैया तू पटना से आई है हाँ ये पटना वाली न औरतें है ये ज्यादा मांग भरती है कहाँ कि पति को ये दिखाना चाहती है किसकी लंबा उम्र के लिए मतलब औरतों की लंबी उम्र हो आदमी की ना हो पति की लंबी उम्र कैसे हो जाएगी जब तुम उनकी उम्र को वैसे ही घटा देती हो आके नहीं है जी लंबा उम्र होने का एक कारण है पत्नी शांति से जीने और शांति से नहीं जीने देगी तो लंबा उम्र हो कहां जाएगा बताइए है कि नहीं जिस दिन आदमी की शादी होती है ना आदमी की उम्र उसी दिन आधी घट जाती मनु भैया बहुत आपका कृपा हम देखे हैं कृपा कहाँ देखे हैं तूने तो शनिदेव का कृपा देखे हाँ साक्षात हम देखे हैं बहुत साक्षात हाँ दम दे साक्षात हाँ साक्षात तालियां आग जब घर में लगा शनिदेव ने बताया तो साक्षात बता दिया साक्षात बता दिए हैं हाँ पटना में बहन जी गड़बड़वा हो गई कभी नीतीश हुआ इधर लुढ़क जाते हैं तू वोट देती है हम वोट आज तक नहीं दिए क्यों वोट देनी जरूर चाहिए नहीं देने गए हैं हम आज जानवे नहीं करते कैसे वोट देवल जाता है नहीं नहीं मन करता नहीं करता भारत का इतना % लोग वोट ही नहीं देता है तो फिर कोई भी बन जाएगा मुंह उठा के फिर तो गलत आदमी बन जाएगा सही बात है
नहीं गलत आदमी बनेगा नहीं बनेगा, लालुआ तो जीत नहीं पाएगा ना, और लालुआ नहीं जीत पाएगा तो फिर बिहार का बिहार जो नाम कैसे होगा। वो बिहार का तेज है, ललुआ जो है वो बिहार का तेज है, वो बिहार का तेज ढल जाएगा मेरे भैया। अभी देखिए कुछ बिहार काला काला सा लग रहा है कुछ बिहार काला काला सा अभी देखिए, तो गोरा हो जाने दो बिहार को थोड़ा है, वो गोरा तभी तो होगा जब तुम वोट डालोगी बहन जी। जय शनिदेव बोलेंगे, जय शनिदेव। माइग्रेन ठीक हो गया जी? वो डॉक्टर ने माइग्रेन घोषित किया था जब यहाँ आए थे, तो भैया ने क्या बताया था? ये तो बताए थे कि जब मैंने कि घर के पितर हैं, मैंने वो तुम्हें दुखी कर रहे हैं, वो माइग्रेन बढ़ा रहे हैं, कोई सर में दर्द कर रहे हैं, वो डॉक्टर वहाँ पागल हो गया है, आठ बार आना पड़ेगा, दवाई पे दवाई दिया जा रहा है, दवाई से आराम नहीं हो रहा है। गोलू मोलू की मम्मी हंस रही है, ठीक है, टिंकू चिंकू की मम्मी हंस रही है, वो गोलू मोलू बेटो का नाम है, वो बेटी का नाम है टिंकी पिंकी, टिंकी पिंकी गोलू मोलू, ये बढ़िया नाम है भाई, एक ही बार में एक ही शब्द में चारों निपटा दिए, टिंकी पिंकी गोलू मोलू है। दिखा किसे बच्चों के नाम रख दिए तैने? है तैने ही रखे हैं, रखने में आसानी है ना, तू नहीं रखे हैं नाम, बताती क्यों नहीं है? बोलने में आसानी है गुरुजी। आए मेरे गोलू, आए मेरे मोलू, कितना मेरा गोलू मोलू सा है ना, मेरी टिंकी पिंकी जी है, कितना प्यारा, कितना प्यारा नाम। बोल दे जय शनि, जय शनि, जय शनि, जय शनि। आप खुश हैं, इनका माइग्रेन ठीक हो गया जी? आप दुखी बहुत तो नहीं? बहुत परेशान थे सर, ड्यूटी से जाते जब थे। ये ठीक मनु भैया तो खुश हो जाना। हाँ, इनको ना 20 बरस से नींद के दवा खा रहे हैं मनु भैया, इनको से पूछिए मनु भैया। नींद नहीं आ रही, इसके पीछे डॉक्टर का कारण बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं मनु भैया, डॉक्टर आपकी बारे में भी अचेत थे, इसकी बारे में भी अचेत थे। ये डॉक्टर वा को क्या पागलों वाला शॉट दे दिया जाए? 8 दिन पहले ना सीना में लगा दिया तूने, 4-5 लाख से ज्यादा लगा दिए। नरसिम्हा में भी दिखा लिया? हाँ, नरसिम्हा बड़ा बिहार का, पारस में दिखाए, एम्स में दिखाए हैं, फिर कन्ने कन्ने लगता है कि 10 डॉक्टर भी इनको फिर भी नींद नहीं है। नहीं अभी भी दवा का गोली नहीं दिए, निंदवा के 2 गोली तो देते ही, निंदवा के 2 गोली देते हैं डेली, तो फिर भी निंदवा नहीं आती है? नहीं, तो डॉक्टर रोते हैं मनु भैया, पूरा चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। हाँ, ऐसा दर्द होता है? हाँ, बेचैनी भी होती है। हाँ, कहेंगे कि भाग जाते हैं, मर जाते हैं, अथी करते हैं। अभी पूछिए दर्द हुआ कहीं है? नहीं, जब से आए जब से नहीं है मनु भैया। तो ठीक ही हो गए हैं, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, दवा नहीं खाए, आ रही है, दवा नहीं खाए 2 दिन से। तो भाई इससे बड़ा का उदाहरण फिर इनको रखिए ना, घर पूरी चीजें कटने दीजिए इनको, रखिए फिर यही रहो। वो तो ठीक हो गए हैं, वो क्या बात समझ रही है तू? नहीं आया समझ में? वो 2 दिन बाद से दवाई नहीं खाए, खाए हैं? नहीं खाए, नहीं खाए। नींद आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। वो तो फिर डॉक्टर का आपको कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर बता नहीं रहा है। अब देखिए निगेटिविटी है, निगेटिविटी के पति को कुछ और लक्षण है और पत्नी को कुछ और लक्षण है। पत्नी को माइग्रेन बता दिया डॉक्टरों ने, और इनको क्या बताया, कौन सा रोग बताया आपको? रोग कुछ नहीं बताता है भैया, कुछ तो बताएगा, खाली बोलता है डिप्रेशन है, डिप्रेशन डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऐसे बोलता है जी। आपका माइग्रेन नहीं गया डॉक्टरों से, इनका डिप्रेशन नहीं गया, तो बताइए। और 5-6 लाख रुपए ले लिए जी, और तुम्हारे 10 साल बर्बाद कर दिए डॉक्टर ने, तुम्हारे कितने साल बर्बाद कर दिए? हम तो 2 कोरोना जब से परेशान है, और कोरोना से और भी ज्यादा परेशान। कोरोना जब से आया, पारसवा में कितना पैसा दिया? वहाँ तो 50,000 रुपए खाली जाँच, 2 दिन हमको जाँच कराने में लग गया, 2 दिन जाँच कराने में लग गया, उसकी का 50,000 रुपए ले लिया, 50,000 खाली जाँच का, 1 दिन पूरा नहीं हुआ जाँच। आपके कागज कहाँ है? वो एम्स वाला लाए हैं, लाए तो दिखाइए जरा, आपके कागज नहीं है आपके वाले? हम तो सब बिक दिए मनु भैया, यहाँ आए ना, दिखा दिया TV9 भारतवर्ष को, दिखा दीजिए दोनों को, तो हम बोले TV9 भारतवर्ष वाले देख रहे, हम बोले कि आज से रितु देवी, और इनका रविंदर कुमार, कहाँ रहते हैं? पटना है। पटना में? और घर का एड्रेस कहाँ है? कुमरा, अपना घर। हाँ, अपना घर का एड्रेस मसौड़ी बिलंचक बोलता है, मसौड़ी बिलंचक। हाँ, वो घर में आए तो कोई TV9 वाला तो कैसे आएगा? TV9 वाला? हाँ, मतलब कोई आज तक वाला अगर आपके घर में आ जाए, आप मनु भैया के यहाँ गए थे माइग्रेन वाला ठीक हुआ, आप कागज हुआ दिखाइए। अरे अचंभव लगता है जी, डॉक्टर ही खा रहा है कि कैसे ठीक हो गया। ओहो, ये तो मतलब आप एक बात बताऊँ मैं? अरे मनु भैया, इतना दावा भीगे हैं, इतना दावा, अचंभा हो गया। और इतना तो रिपोर्ट और अथी भीगे हैं, झोला में बोरा में कर कर, इतना बोरा में? हाँ मनु भैया, या हम इनको खा ली 3 बरस से, हम तो छोड़ दिए कि नहीं अब अथी करने। डॉक्टर बाबा बोला का तुम्हें कि हम अचंभित हैं, कहाँ ठीक हो गए? हाँ, ये बीमारी तो सब दिन के लिए है।
सब दिन ठीक है ये देख लो, जब बीमारी सब दिन के लिए है तो दर्द गोली कहे देते हैं, चेकअप कहे करते हैं, माइग्रेन सबको माइग्रेन नहीं है, किसी को भी डिप्रेशन नहीं है, किसी एक आध को छोड़ के मरीज 99 प्रेत बाधा के शिकार है, डॉक्टर मजे ले रहे हैं, 10-10 साल से उनको दवाइयां दे रहे हैं, आदमी ठीक नहीं हो रहा, तुम्हें 20 साल में नींद आई नहीं भैया, यहाँ आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जब आए जब जब ठीक रहे हैं, हम बोले इनको कि हम जैसे बोले कि जब मन्नू भैया के पास गए तो दावा छोड़ देंगे, जैसे भी रखेंगे के रहेगा, जो सनी जी रखेंगे हाँ। तो छोड़ दिए तो बिल्कुल ठीक हो गए, तो आप भी छोड़ दीजिए और सनी जी पर सब कुछ छोड़ दीजिए कि जो ठीक हो जी लो ठीक ही हाँ। कौन सा है ये नरेंद्र मोदी बा को दिखा दीजिए, ये प्रधानमंत्री जी देखे जरा, ये रविंदर जी है, प्रसाद जी है, ये रविंद्र प्रसाद जी है, इनकी रिपोर्ट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को सचेत हो जाना चाहिए, इसका मतलब माइग्रेन वा का दवाई फ्री में दिया जा रहा है, 10-10 साल से टेस्ट किए जा रहे हैं, निंदवा आ नहीं रही है, है ना, तो इनके लिए एक नया एम्स की जरूरत है। वो एम्स में देखिए उधर देखिए, उधर शनिदेव महाराज बैठे हैं, उधर दीपदान होता है, इतना बड़ा दीपदान है, और ये शनिधाम के नियम है, इनको पढ़ लीजिएगा जरा, सभी पढ़ लीजिएगा, हम डालते भी रहते हैं, हमारा चैनल देखिएगा, वो दीपदान वाला है, वहाँ पे शनिदेव महाराज बैठे हैं, उसके साथ में दीपदान होता है, ये यज्ञ है, और यहाँ बैठ के मनु भैया क्या करते हैं जप, और सब लोग कैसे जप करते हैं, जैसे इनके हाथ में माला है, उनका मुख चल रहा 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 है, ये सब लोग बैठ के यहाँ जप करते हैं, इससे एक शक्ति उत्पन्न होती है, तो जो निगेटिविटी आपको माइग्रेन बनाए हुए थी वो खत्म, आपको जो नींद नहीं आ रही थी वो खत्म, चुटकियों में जो परसवा में 5-6 लाख रुपए दे दिए और जो एम्स में 5-6 लाख रुपए दे दिए वो खत्म, वो बच गए आगे वाले, ये 5-6 लाख में नहीं सरना था, सुनिए अभी डॉक्टर वा आपसे और 8-10 लाख रुपए ले लेता, आगे जीवन है ना, अभी तो जवान है, तो जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक माइग्रेन वा का दवाई चलता रहता, रोज उल्टी होता था मन भैया, दो दो दिन तक खाते नहीं थे, पढ़ा नहीं रहते थे, रोज पूछा नहीं डॉक्टर से कहे उल्टी हो रहा है भाई, 1-1 हजार रूपया दे के फीस और दिखाते थे मनु भैया, और आपको हम तो एडमिट ही हो जाते थे, एडमिट होने के नौबत कई बार आ गया, हाँ बहुत बार मैंने कीजिए, 3 साल से परेशान नहीं, वो दुनिया को कहा कहतवा, वो जो दुनिया देखेगी तुम्हें उसको कहा कह रही है, कह रहे हैं कहना है कि सनी धाम में आके बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, आप भी होके जाइए, आप भी विश्वास कीजिए, एकदम दिल विश्वास मत कीजिए, बिना विश्वास के आइए, हाँ जी बिना विश्वास के आइए, बोला निगेटिविटी है तो आप माने शनिदेव को, नहीं माने हम निकाल देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, परिवार में 2-3 को यहाँ आए हैं भैया, उनको भी लाभ है, वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, क्या बात कर रही है, जाओ परिवार वाले लोग, हाँ। मेरे साले के जो पत्नी हुए हाँ। बेहोश शिमला में रहते हैं, हाँ। आर्मी में नौकरी करते हैं, बेहोश पड़ रहते थे, वही हमको बताया यहाँ से, तो डॉक्टर क्या कहते थे उसको, वो थायराइड कभी कुछ उधर दिखा रहे थे, बहुत परेशान थे, लेकिन तो मानो भैया थायराइड वा ठीक नहीं करते, माइग्रेन वा ठीक नहीं करते, डिप्रेशन वा ठीक नहीं करते, वही हम निगेटिविटी है, इसी को बाहर निकालना है समाज से, असल में हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, जय शनिदेव। आपने देखा होगा सवेरे से कई लोग माइग्रेन के बारे में बता चुके हैं, माइग्रेन ठीक, कल भी एक बहन काफी बड़ी लिखी थी, यानी कि भारत में वो जज हैं, उनका माइग्रेन ठीक हुआ, जो माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता, कदापि ठीक नहीं होता, दरअसल ये माइग्रेन नहीं है, ये हम सबको चेत जाना चाहिए, हमारे भारत की 60% जनसंख्या जो है वो किससे निगेटिविटी से पीड़ित है, वो निकलेगा ही निकलेगा, उसके लिए तत्पर रहे, तैयार रहे, डॉक्टरों के फेर में ना पड़े, डॉक्टर आपको लूट सकते हैं, कितने रुपए वाला लुटवाया, अरे तो कितना, कम से कम 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कम से कम दोनों का मिला के, हाँ। शनिदेव महाराज का यहाँ कितना लगा, यहाँ नहीं पैसा लगा मनु भैया, तो लगा होगा, हवन कर रहे हैं रोज, शुरू बार में वहाँ खाली लगा था 4,000 रुपया, उसके बाद गाड़ी भाड़ा बस, वो तो बहुत पहले, हाँ। तो बहुत पहले है, 2 साल पहले, उसके बाद गाड़ी भाड़ा बस, तालियां बजा दो, तुम्हारे लिए धाम भी तो बना दिया ना, वहाँ छोटी सी जगह में आए, यहाँ आके रुक तो सकते हो ना, बोलिए शनिदेव, शंकर भगवान, भारत के डॉक्टर, भारत के वैज्ञानिक, भारत के सारे टीवी वाले यहाँ आके मनु भैया से समय ले सकते हैं, और एक बात, अगर किसी की क्षमता है वो किसी भी हॉस्पिटल में जितने भी बीमार एक समय में एडमिट है,
उनका मुझे नाम पता बता सकते हैं। जो बीमार 5 दिन तक दवाई खाए बिना चल सकते हैं उनका मुझे नाम पता बताएंगे, मैं एक लिस्ट करूंगा, उनको देखने भी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे उनका हवन करूंगा, उनको बिना दवाई खाए आराम आए। तो भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, भारत के सारे कौन चैनल वाले और भारत के सभी साधु संत जो सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, विश्वासिद्ध हैं, वो सभी वहां पे निगरानी रखे और यहाँ पे निगरानी रखे, दोनों जगह 24 घंटे लाइव चला दे, 24 घंटे में ही जो निगेटिविटी के मरीज है सबको आराम आ जाएगा, जिनको पितरों प्रेत से बाधाएं हैं सबको आराम आ जाएगा और उनके रोग अपने आप ठीक होने लगेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, बस वो लेटे रहे वहां, उसका पैसा भी डॉक्टर ले ले, मैं ये कहता हूँ। लेकिन निगेटिविटी है, मैंने ये सिद्ध कर दिया है, 1000 रूप में सिद्ध करा लो, करोड़ रूप में सिद्ध करा लो। और इसलिए कहता हूँ कि मुंबई की तरह एक दिन तुम्हें ढोंग ढकोसला, हे सनातन वालो, हे सनातन के लोगों, मुंबई की तरह तुम्हें एक दिन ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कह के तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे यज्ञों को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी सारी विधियों को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे मंदिर में बैठ के यज्ञ नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले ऐसा कानून सारे देश में बने, मनु भैया आज आपके पास है, इसको सिद्ध करा लो, सब साथ मिलो, सब साथ चलो और कहो मनु भैया ठीक कह रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है तो करके दिखाते हैं सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को, तो सारी दुनिया के डॉक्टरों को, तो मान लेना निगेटिविटी है, तब कोई भी कानून बना देना हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कभी मत कहना कि सनातन ढोंग है, सनातन अंधविश्वास पे टिका हुआ है, सनातन आप विधर्मी खुद हैं, आप सनातन में पैदा होके आप इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कहते हैं, क्योंकि आपने इसको जाना नहीं है, आपने इसको परखा नहीं है, आपके पास एक भी प्रमाण नहीं है कि आपने इसमें जीवन खोया है। मनु भैया के पास प्रमाण है, मैंने 20 साल इसी काम में लगाए हैं, आगे ना 2007 से अब तक की 13 साल की आप वीडियो देख सकते हो, कितने साल की 13 साल की आप वीडियो देख सकते हो, उससे पहले 7 साल लगातार जप किया है, तप किया है, अपने बच्चों से दूर रह के यज्ञ किया है, कहाँ कहाँ यज्ञ किया है वो देख सकते हो, किस किस के साथ बैठ के किया है वो भी देख सकते हो, कितने सालों मौन किया है वो भी देख सकते हो, तो ये देख सकते हो ये धुरी है, मनु भैया ने इसको अजमाया है, इतनी गहरी पैठ है कि धरती के ऊपर वाले आवरण से लेके मनु भैया धरती के नीचे वाले आवरण तक दिखाई देंगे। कोई सूक्ष्मता की बात करेगा तो जैसे इस बहन जी ने बताया कि मनु भैया शनिदेव महाराज सीढ़ी पे बैठ के दिखाई दिए, ऐसे ये बहन जी बताएगी कि यहाँ आने से पहले 2 बार मनु भैया इसको सपने में दिखाई दिए, ऐसा ही है, दिखाइए उनको, ऐसा ही है, दिखाई दिए और तब आप यहाँ आए, आपको होता क्या है मेरे गुरु जी सारे शरीर में, अब इनको देखते हैं, बोल दीजिए जय शनिदेव।